What we do here is go back. हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज है 28th ऑफ मई और दिन की शुरुआत चालू कर दी है। मैं उठ गया था 5 बजे आज फिर से और अभी बज रही है 7:30। तो बाय द टाइम 7:30 बज रही है, मैं नहा चुका हूँ ऑलरेडी और आधा घंटा मैंने बुक पढ़ ली है ऑलरेडी। हाँ, आज एक गड़बड़ हो गई, वो ये है कि मैं पोछा मारना भूल गया पहले नहाने के पहले, तो मुझे नहाने के बाद पोछा मारना पड़ा। हालांकि उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं, पर पहले मारो तो ठीक रहता है कि नहीं। तो बस अब हो सकता है, हो क्या सकता है, मतलब पढ़ना चालू करेंगे। इसे एक और गीक्स और गीक्स के बारे में आपको रैंकिंग के बारे में बताना थोड़ा, तो वो बाद में बताएंगे, पहले पढ़ लेते हैं। मतलब अभी 10:30 बज गए हैं और 3 घंटे मेरी पढ़ाई हो चुकी है C++। स्टैक थोड़ा अब टफ था, लगा था इस बार का तो काफ़ी टफ था, काफ़ी ज़्यादा ही टफ था, काफ़ी सवाल नहीं हुए मुझसे। उसके अलावा उसके अलावा ब्लू डॉट वालों का मैसेज आया कि आज एक पैकेज आने वाला है। पैकेज तो मतलब वही मीवी के कॉलर 2 आएंगे, तो वो नए मंगवाए, उसके अनबॉक्सिंग भी शूट करेंगे। खाना वाना खा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मोस्टली एडिटिंग करने बैठ जाएंगे हाथों आते हो, जितना पॉसिबल हो पाएगा। सो हेलो गाइस, आज देखो फाइनली आ चुका है। ये देखो मीवी का कॉलर 2 जो है वो अपन ने ऑर्डर, मतलब मैंने ऑर्डर किया था तो वो आ चुका है अब। वैसे ये 15 तारीख को वहाँ से निकला था और 18 तारीख को यहाँ पे पहुँचना था, पर जैसे कि लॉकडाउन वगैरह में तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो ब्लू डार्ट ने थोड़ा लेट पहुँचाया ये। तो आज है 20th मई को ये चीज़ आई है। अभी शाम को तो कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव हुआ नहीं आज, 7 बजे वाला स्लॉट में पढ़ा नहीं, क्योंकि जो हमारा क्लब है उसके लिए थोड़ा काम आ गया था। कहने का मतलब, एक क्लासमेट है, वो सब कोई वर्कशॉप सजेस्ट कर रही थी। वो वर्कशॉप ऐसी थी कि मतलब 3 दिन की वर्कशॉप और 2 घंटे रोज़ाना उसमें बात करेंगे लोग कि मतलब स्पीकिंग स्टाइल्स जो होती है डिफरेंट उसके बारे में। और उसके बाद जब स्पीकिंग स्टाइल्स के बारे में अपन बताएंगे उनको, तो फिर बच्चे जो है उनको ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा और फिर उनसे रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट किया जाएगा बाद में। आइडिया तो बहुत ही अच्छा है ये, पर जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, क्योंकि अभी जो करंट इवेंट जो चल रहा है ऑलरेडी लिटिल इंडिपेंडेंट क्लब का, उसके अंदर हमने प्राइजेस रखे हुए हैं ऑलरेडी। प्राइजेस होने के बाद बावजूद भी बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे उसके अंदर। 2 या 3 सबमिशन आया मैक्सिमम हमारे पास। तो आप देखो, मैं तो ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं, क्योंकि बच्चे को पार्टिसिपेशन इज़ द मेन थिंग। मैं नहीं चाहता कि मतलब ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज हो जिसके अंदर जो स्पीकर है सिर्फ वही अटेंडीज भी हो जाएं, और फिर ग्रुप में डिवाइड करने के लिए बच्चे भी तो होने चाहिए जो कि इवेंट अटेंड करें। तो उसी की दिक्कत लग रही है। और अभी मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी देर पढ़ लेना चाहिए, 1 या 1.5 घंटा। उसके अलावा इस रूम के अंदर एक कीड़ा आ चुका है। अब वो कीड़ा कहाँ पर है मुझे दिख नहीं रहा है। अभी दिखा था मैंने उस पर 2 झाड़ू की मारी, पर वो उड़ के कहीं चला गया। अब वो जहरीला कीड़ा था वहाँ पे तो नहीं गई, हाँ नहीं तो जहरीला कीड़ा था वो, पता नहीं कहाँ गया होगा, छुप के बैठ गया होगा। बाद में आके अगर उसने कहीं काट वाट गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो जो सर्कुलर लिंक लिस्ट का अभी 2 लेक्चर मैंने निपटा दिए, डेटा ख़त्म हो चुका है मेरा, डेटा ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब ये है 3 GB तो मेरा पहले ही ख़त्म हो गया था दिन में, उसके बाद मैंने 1 GB का कूपन रिडीम किया था वो भी ख़त्म हो गया। तो ठीक है, अब सो जाते हैं। वैसे अभी 45 मिनट का भी एक सेशन कर लिया है मैंने, लगभग हो गया। मतलब दिन में मैंने वीडियो एडिटिंग भी तो पढ़ी थी, तो वो अगर इंक्लूड करें तो काफ़ी हो चुका है अगर कंप्लीट। कल इससे बेहतर करेंगे, कर सकते हो भी हम। यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट।